ये बहुत जरूरी भी है ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी टीम मेंबर को ऐड मत करो जब तक कि बहुत जरूरत ना पड़े यह बहुत जरूरी है ये मैंने गलती बहुत करी है हम लोग सबको गलती करते हैं ना टीम बना लेते हैं टीम बना चार लोग बैठ जाओ तुम ये करना तुम्हें करना ऐसे कभी नहीं होता है ऐसे कभी नहीं होता है और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है दैट डाइवर्जेस फ्राम सॉकर एंड क्रिकेट देखो क्रिकेट में ग्यारह लोग की जरूरत होती है तो पहले हम लोग ग्यारह लोग ढूंढने जाते हैं फिर क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं राइट right. लेकिन बिजनेस में क्रिकेट का जो गेम है वो अलग तरह से डिफाइन होता है कभी कभी दो लोग की जरूरत होती है सौ राइट एंड दैट डेफिनेशन कम्स फ्रॉम द कस्टमर एंड मार्केट समझ रहे मतलब एक कस्टमर है खुद ही डील करो यार ये मैंने गलती बहुत करी है यार कस्टमर एक है आदमी पचास है hmm. नहीं 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 अरे एक आ कस्टमर को खो दिया दो तीन चार ऑर्गेनिकली हाँ मैंने बोला ना जैसे कि अगर एक एस है और वो पांच लोग हायर कर रहा है उसके नाम जानता है बॉस दस होते तो नाम भूल जाता है शक्ल भूलता है पंद्रह बीस पे वो स्टार्ट नहीं करता कि मुझे बीस से स्टार्ट करना है ठीक ऑलवेज बी ड्रिवन बाय द डायनेमिक्स ऑफ योर बिजनेस And the rule is always hold back hiring as much as possible. As much as possible. As much as possible. Why? So that you learn more about your business and so that you can, you know, define your process better, right? So that you have some pressure to do optimize your business. Because you, come, you hire you. Do it. So,

तो मैंने ऐसे कर लिया था अब इसके ख़राब करोगे तो, तो मुझसे भी ख़राब हो इससे अच्छाई ही करो जाके एंड दिस इज दिस इज़ अ लेसन दैट इज़ लॉस्ट ऑन ऑल फाउंडर्स अपने को लड़के हायर है करने हैं यार देखो ये भी उतना क्लाउड होता है जितने जितनी टीम बड़ी हो उतना क्लाउड उतनी बड़ी टीम है हर आदमी पूछता है कि टीम कितनी बड़ी है भाई प्लस मेरे को लगता है कैपिटल <coughs> थोड़ी जैसे इनफिशेंसी होती कैपिटल की हाँ मतलब पहले ना

लोगों को हायर किया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिग्रीज़ और जस्ट बिकॉज ऑफ़ द बैकग्राउंड नॉट बिकॉज बट दे कैन डू एंड लोगों को हायर किया जब मैं खुद नहीं वो काम कर पा रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं काम कैसे जज करूँ और वो काम कैसे होगा का। तो बहुत बहुत, बहुत बड़ा लेसन है मेरे लिए कि मैंने खुद <coughs> अपना जो मोस्ट रीसेंट रिस वर्जन है मैंने खुद बैठ के बनाया टीम के साथ मैंने खुद रिएक्ट लर्न करी <coughs> पहले आपने पूरी लैंग्वेज लर्न लेंग करी रिएक्ट है जावास्क्रिप्ट है यार कि So that I can I can I know what's going on and I can tell how much time it takes, especially in tech. Right. right, <laughs> right. So no non-tech founders. Uh, you can learn, especially with AI now, Chat but you can learn very quickly. Mm. And uh, don't expand your team until you really have to. Take this as gospel. Mm -hmm. Don't worry about uh, you know, like optics. Optics.

सबको पता होता है ये बेकार है आदमी बेकार ये कर नहीं पाता है आप किस लिए हायर किया शक्ल की अकल के लिए किस लिए हायर किया है हो सकता है डिग्री हो उसके पास अब बहुत होता है आई वाला बंदा हायर के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो भी करना कम कर देते हैं ये भी नहीं कर पा तो बाइटिस लाए थे इनसे करवा कर लो ब्रोकन विंडो सिंड्रोम है जो आज आपने पोस्ट आज पोस्ट किया था देखो उससे करवा लो हमसे क्या करवा रहा है जब इतना तो बड़ा आदमी यार किया तो कर लो अरे कई कई बार तो होता है कि आदमी टीम मेहनत कर रही होती है तीन चार लड़के होते काफ़ी मेहनत मार रहे होते है और एक बड़े आदमी को हायर कर लेते हैं एक्जैक्ट ये आएगा करेगा वो आदमी कुछ करता नहीं बाकी लोग भी करना बंद कर देता है right. करवा लो उससे भैया बड़ा आदमी है right. मोटिवेट अपना मोटिवेशन सारा डीमोटिवेशन में टर्न हो जाता है तो भैया फाउंडर लोग प्लीज़ हायरिंग मत करो इवन इफ़ यू हैव द मनी बैंक में रखो इंटरेस्ट लो एंड एज मच एज पॉसिबल डू इट योर सेल्फ एंड विद द टीम एंड एक्सपैंड ओनली वेन द इंटायर टीम एक और चीज़ बोलेंगे देखो तो दो मिनट रुक जाओ प्लीज प्लीज वैन द एंटायर टीम इज़ फुल्ली स्ट्रेच्ड सब लोग पूरा मतलब एक्सरस नहीं कर सकते एंड ओनली हायर वेन द एंटायर टीम हैज कंसेंसेस ये मैंने बहुत गलती करी है खुद इंटरव्यू करके हायर कर दिया बुला दिया टीम को पहले टीम ज्वाइन कर रहा तो टीम से मिल रहा है टीम को पता ही नहीं कौन है ये भैया चाचा आप कौन है अरे हम फला फला जिले से आए हैं जिला गाजियाबाद से आए हैं <laughs> तो टीम से मिला दो पहले और टीम से पूछो भैया उसको हायर कर लें hmm. टीम से बात कर लो और वहाँ से तुमको टीम की क्लैरिटी मिल जाएगी कौन काम का कौन काम का नहीं कौन है कौन अलाइंड है कौन अलाइंड नहीं है कौन खुश है कौन खुश नहीं है कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वहाँ से उनको क्लैरिटी मिल जाएगी और फिर उस टीम को अगर तुमको क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी ले आओ अगर कोई अलाइन नहीं तो अलाइन कर लो उसको बोलो यार देखो हम लोग सब साथ में अगर तुम्हें नहीं हम लोग लेट्स बी फ्रेंड्स यू मूव ऑन लेट्स बी फ्रेंड्स guys if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel you can consume all our podcasts and small clips right here we chunk them together and release them just for your convenience do not forget to press the subscribe button